बिलासपुर में आज मुहर्रम का महीना हुसैन का महीना है। चांद के बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है। इसी महीने से इस्लामी साल की शुरुआत भी होती है। आसमान में चांद देखते ही मुस्लिम समाज के लोग मुहर्रम की तैयारी में जुट जाते हैं। पूरे 10 दिन कुरान खानी, फातिहा, रोजी रखा जाता है। जगह जगह मजलिस व जलसे का आयोजन किया जाता है, जहां हुसैन और करबला के वाकये बयान किया जाता है। बता दें कि इस्लाम में 10 मुहर्रम की बड़ी फजीलत यानी विशेषता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग रोजी रखते हैं, साथ ही इबादतों में गुजारते हैं। इसके साथ ही इस दिन कई जमात के लोग ताजिया के साथ मातमी जुलूस भी निकालते हैं। मुहर्रम की 7वीं तारीख को हजरत काशिम की शहादत हुई थी, इसलिए सिया और ईरानी जमात के लोगों ने शनिवार को मातमी जुलूस निकाला, जो चाटेड ही इमामबाड़ा से शुरू रपटा सिटी कोतवाली चौक, सदर बाजार, मध्य नगरी सत्यम चौक होते हुए मरई माई कब्रिस्तान पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान जहां जहां से यह मातमी जुलूस होकर गुजरा, वहां संदेश देता गया, वहीं हजरत काशिम की शहादत को याद किया। इस अवसर पर नियाज फातिहा किया गया और सभी में लंगर बांटा गया। हर जगह निकाला जाता है, वजह यह है कि इमाम हुसैन इस्लाम ने उस वक्त कहा था कि अजीज, अगर तुम हमें नहीं रहना देना चाहते इराक में, तो हमें हिंद जाने की इजाज़त दे दो। तो लोग आज भी कहते हैं कि 10 मुहर्रम जब होती है, मुहर्रम आता है, जब इमाम हुसैन हिंदुस्तान चले आते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई जो है इसे श्रद्धापूर्वक जो है मनाता है और इस जुलूस की इज्जत करता है, क्योंकि ये जुलूस किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए। आपका नाम? मेरा नाम सैयद लुकमान हैदर, इमाम जुमा बेंगलोर। मैं प्रवचन के लिए 10 दिन के लिए यहाँ।